देखिए अभी हम लोगों की वर्किंग चल रही है, शीघ्र ही हम लोग सब्जी वितरण शुरू कराएंगे घर घर में। ये सब्जी मंडी जैसे आपने बोला, सब्जी मंडी के जो बड़े व्यापारी हैं वो बड़े व्यापारियों को हम लोगों ने बुला के 3-4 दिन से मीटिंग चल रही है हम लोगों की। तो उसमें इशूज़ हैं, उसमें संख्या कितनी रहनी चाहिए व्यापारियों की, कहाँ पर ये लोग पैकिंग करेंगे, किसानों का माल कहाँ से आएगा। शहर के हमको खंडवा रोड, मैक्सिमम खंडवा रोड से आता है निमार से सब्जी, और हमको महू के भी किसानों को हमारा ध्यान रखना है, हमको देपालपुर का भी रखना है, सावे रोड के भी किसानों को ध्यान रखना है। तो वहाँ भी अलग अलग सेंटर्स बन रहे हैं, महू रोड और बाईपास में ही लगभग हमारे 15-18 सेंटर्स बन रहे हैं। इसमें आज वो सुबह से गए हैं सब लोग, सेंटर्स देख रहे हैं, उसको अधिग्रहण करेंगे हम, उनको सेंटर्स देंगे वो, वहाँ उनकी सब्जियाँ आएंगी और वो पैकिंग करके जो हमारे किराना व्यवसायी हैं उनके माध्यम से वितरण करेंगे। इसमें किराना व्यवसायी को पर बैग कितना मिलेगा, किराना सब्जी वालों को कितना प्रॉफिट होगा, जो सब्जी का जो थैलियाँ 100 रुपये की या 200 रुपये की जो भी बनवाएंगे हम लोग, वो थैलियाँ जो इन पैकिंग सेंटर्स जो बाहर बाहर रहेंगे शहर के, जो ये व्यापारी लोग रखेंगे, वहाँ से किराना व्यवसायी तक पहुँचने में कितना वक्त लगेगा, ये कितना पैसा लगेगा, ये सब चीज़ें हम लोग डिसाइड करना है इसको। इसमें एक आध दिन में फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी, मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर हम लोग इसकी व्यवस्था शुरू करेंगे सब्जी वितरण की। फिर ग्रेजुअली जब ये सेटल हो जाएगा 7-8 दिन में, फिर हम लोग फल वितरण की व्यवस्था शुरू करेंगे। देखिए क्या है, हम काफ़ी जो अवेयरनेस दी, जो इंदौर मेडिकल एसोसिएशन ने सपोर्ट किया, जो अन्य डॉक्टर्स मोटिवेट हुए, उन्होंने भी अन्य पैरामेडिकल को मोटिवेट किया, सारे अस्पताल संचालकों ने मोटिवेट किया, खुद मोटिवेट होकर सब पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स मोटिवेट किया, तो लगभग हमारी 80-90% स्ट्रेंथ आ गई है अस्पतालों में। तो कुछ कुछ पैरामेडिकल स्टाफ जैसे चोथराम अस्पताल हो गया, शैलबी हो गया, गोकुलदास हो गया, यहाँ जो आना चाहिए, जो मैनेजमेंट बुला रहा है बार बार, इनको तो भी नहीं आ रहे हैं। तो शैलबी का हम लोगों का कार्रवाई पूरी हो गई थी, उनको फ़ोन लगा के प्रेस किया एडिशनल कलेक्टर ने, उनको आदेश भेजा हम लोगों ने, मैनेजमेंट ने उनको आदेश भेजे अपने संपर्कों के माध्यम से जो साथ के, कई लोग मोबाइल करके बंद करके बैठ गए, कई लोग मोबाइल नहीं उठा रहे, जो मोबाइल उठा रहे हैं वो अब वो कर रहे हैं। तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट में कलेक्टरों की पावर होता है कि जिसको मैं जो बोलूँ करेगा, तभी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। ये आज शहर की जनता को अगर सेवा की आवश्यकता है उन पैरामेडिकल स्टाफ की, तो उनको आना पड़ेगा, आवश्यकता है शहर को तो आना चाहिए उनको, क्योंकि वो नौकरी कर रही है वहाँ पर। आज नहीं आएंगी, बाद में आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अभी मैंने लेटर भेजा है, अभी DIG सर से बात हुई थी मेरी, तो मैंने ये बोला कि थाने से स्टाफ भेजा जाए सब जगह इनके, और इनको स्पष्ट बतला दिया जाए कि अगर आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे तो आपकी गिरफ्तारी होगी, अगर उसके बाद भी ड्यूटी पर नहीं जाती हैं तो इनके जो नहीं जाएँ, जो चली जाएंगी उनको नाम हटा देंगे हम लोग, जो नहीं जाएंगे फिर उसके अलावा हम लोग, हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, वेयर आर स्टूडेंट्स प्लेस्ड, टू टॉप नॉच कंपनीज इन द कंट्री, वी स्टैंड अपार्ट विद आवर यूनिक टीचिंग स्टाइल थ्रू स्टडी टूर्स, इंडस्ट्री विजिट्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स एंड अदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शमशेर सिंह, वी आर प्राउड टू बी ओनली द 4th इंस्टीट्यूट इन MP टू ऑफर BE इन फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी। And in addition to existing programs, we are launching law and nursing programs. Our students have been university toppers and have won university gold medal. We have also won national kart championship for 3 consecutive years. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning.